अरे कैसे कैच मारता है, हवा बज कितनी करता है, कैसे पूरा जनरेटर वाला ऐसे प्रेशर भर के ऐसे पूरा रेडी होगा ऐसे कैच मारता है भाई, उसके अलग लेवल है। ऐसे ऐसे करेगा पूरा जनरेटर वाली शेप में आएगा, टूंडो की तरह फिर ऐसे लेके उछलता है वो। सो हे गाइस, हम आ चुके हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो इस बार आखिरकार मैंने पतंग उड़ा ही ली है। आज का मौसम आपको दिखाई देता हूँ, बहुत सही है कल के मौसम से। तो कल बारिश हो रही थी जिसकी वजह से आपको बताइए पिछले ब्लॉग में बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ा पाए थे। चेक करने बांध लिए, कुछ भी कर लिया, पतंग उड़ ही नहीं पाई। देखो मेरी पतंग एकदम ऊपर। रुको यार, कैमरा घुमाना पड़ेगा। रुको, देखो गाइस मेरी वो रही पतंग सबसे ऊपर। सबसे ऊपर रखता हूँ मैं पतंग को अपनी। देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना, देखो कितनी सारी पतंग है गाइस आज। और कहाँ गई? और कुछ नहीं, कुछ नहीं गाइस, तीन ही हैं। अब मैं एक हाथ से पतंग उड़ा रहा हूँ, एक हाथ से ब्लॉग में बोल रहा हूँ, तो अगर पेच लग गए तो मेरी गलती नहीं होगी, बाद में मुझे मत बोलना। ये देखो पतंग भी कटवा के आ गया। बस हवा सही चल रही है तो मज़ा आ रहा है बहुत अच्छे ब्लॉग बनाने में। सही मौसम है गाइस आज का। और यार मैंने पता चीता पतंग उड़ाने के बाद ही ब्लॉग बनाया। मैंने कहा लोग कहते हैं पतंग भी नहीं उड़ाता, बस ब्लॉग बना के ऐसे दिखा देता है। देखो गाइस आज मैंने पतंग उड़ा ही ली है, और अगर कोई बढ़िया पेचा लगा था वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर और उड़ेंगी तो देखो अभी अभी तो हैं तीन चार, तो हैं इनसे पेचे लगाने के लिए सही है। थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, मेरे को ये रही मेरी पतंग, मतलब 10x जूम कर सकता हूँ गाइस। ये देखो 8x जूम, सॉरी। ये देखो मैं एकदम पूरा मोशन कैप्चर कर सकता हूँ। देख रहे हो पूरी पतंग का। लेकिन अब कुछ और भी तो करना पड़ेगा ना, कंटेंट लाना पड़ेगा। लोग तो लोग देखते ही रहते हैं। इस मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, एकदम मस्त हवा चल रही है। रुको मैं अपनी तरफ कैमरा कर लूँ। कल का व्लॉग तो बिल्कुल मत पूछना क्या हुआ था, कल का व्लॉग भूल ही जाओ एक तरह से वो व्लॉग था। हाँ लेकिन उसमें आपको मंजा वो करना सिखा दिया, क्या होते हैं वो करने बांधना सिखा दिया यार। इसे थोड़ा कट कर देंगे, कट कर दोगे इस फिर से बोलेंगे। तो कल के ब्लॉग में मैंने जैसे आप कन्ने बांधने सिखा दिए थे, वो भैया ने सिखा दिए थे, मैं अपने कन्ने सिखा था, तो पता नहीं कल मुझे गाल लिखने आ जाते ब्लॉग में ये क्या सिखा दिया। ओ भाई देखो, रुको रुको मेरी पतंग ऊपर सुन रहने ही नहीं देंगे। रुको गाइस मैं कैमरा टेढ़ा करता हूँ, ये बंदा मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। अच्छा वाला ब्लॉग बना दिख नहीं रहा इसकी ऐसी की तैसी, ये अपना ही मौज में लगा हुआ है। इसको बोलता हूँ भाई ब्लॉगर से दूर रह कर, ठीक है। बाद में मैं बस मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बाद में सीरियस मत हो जाना। पेचे सब लगाते हैं, मैं भी लगाऊंगा इससे, इसकी ऐसी की तैसी, इसको भी पेलेंगे और कंटेंट भी मिलेगा ब्लॉग बनाने से। टेंटेड हैं, और नज़ारे भी दिखाई देता हूँ गाइस, कुछ भी नहीं है दिखाने को भी। अभी देखता हूँ अगर कोई बढ़िया सा पेचा आ गया तो मैं ज़रूर काटूंगा, क्योंकि मैं अभी लग गए। इसकी भैंस की ढील दो। मेरे को एकदम सी फील आई पो। देखो गाइस गई उसकी भाई, एक हाथ से काट लेते हैं यार, क्या बताऊं कैमरा पकड़ के भी यार, ज्यादा प्रोफेशनल हो गया हूं। गाइस ये मैं शायद से अगले साल पिछले साल के बाद अब जाके उड़ा रहा हूं, और अभी भी एक हाथ से, वो भी लगता है प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ गया है। मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा अकेले पतंग, क्योंकि गिर जाएगी। रुको गाइस मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, वो कहीं कोने में चली गई है। देखो गाइस तो एक हाथ से मैं ब्लॉक कर रहा था, और एकदम से मुझे फील आया कि कोई मेरी पतंग पे आ गया है, तो मैंने बस डील दी और उसकी ऐसी की तैसी हो गई। मैंने एक हाथ से, देखो मैं बस एक हाथ से डील दे रहा हूँ, ये देखो बस ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, और उसने बिना बात पे अपनी पतंग लेकर आया ब्लॉगर के हाथ से। गाइस प्रोफेशनल हूँ, चाहे सामने ब्लॉगर हूँ लेकिन वैसे तो पतंग में तो प्रोफेशनल हूँ, और क्या। अब अगर ऐसे ही और देखना चाहते हो कंटेंट ब्लॉग के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर, समझना यार, ऐसे ही कंटेंट में लाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉगिंग में ही तो अपन सबसे बढ़िया है ना। तो 15 अगस्त का ब्लॉग तो पक्का ही हो गया, और मैंने 10 अगस्त का वो ब्लॉग बताया आपको, बर्थडे ब्लॉग होगा। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देख लेना। कैमरा इधर ही रखो यार, कैमरा इधर रखूँगा तो मेरी शक्ल भी आती रहेगी, और मैं कैमरा घुमा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़ारे भी आएँ। कैमरा घुमाने के लिए गाइस कुछ करना पड़ता है। ये देखो गाइस मुझे लगता है थोड़ी उतारनी पड़ेगी मुझे, है ना। तो गाइस अगर तक वो वाला ब्लॉग नहीं देखा ना तो प्लीज़ देख लेना, चाहे पतंग उड़ी ना उड़ी वो खुद देख लेना,
मज़ा बहुत आया वो व्लॉग करने में। बारिश का मौसम चाहे कुछ भी था, लेकिन ये देखो एक और आ गया। अगर मेरी गई ना बहुत दूर से जाएगी, बहुत डोर से जाएगी मेरी पतंग। ये देखो मज़े ले रहे हैं। ये देखो ये साथ वाला ही अपना, और कोई नहीं है। दिखाता हूँ उनको, ये उस वाली ये साथ वाली छत मेरी, मतलब एक जुड़ी हुई है, जॉइंट ही है, लेकिन अलग अलग बना रखा है। वो हमने पतंग के लिए अलग से बनवाया था ना, मेरे जैसे बंदों के लिए अलग से बनवा देते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए अलग कमरा चाहिए होता है। वहाँ तीन है, मैं अकेला यहाँ पर हूँ। देख रहे हो मैं अकेला यहाँ पर हूँ। दिखाता हूँ गाइस वो जगह। ओ भाई मेरी पतंग लो, अलग ही लहर रही है। मुझे लग रहा है उतारनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई गाइस, मैं पतंग उड़ा ही रहा था, मैंने देखा डील देता हूँ, डील देता हूँ, एकदम से डील आनी बंद हो गई। पता चला यहाँ पे फंसा हुआ है, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे गड्ढा है ना एक, तो यहाँ पे फंस रखा था। अब हटा रहा हूँ जाके, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा, तो मैं देख नहीं पा रहा था ना क्या हो रहा है। मैं आधे से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे दे रहा था, आधे से ज़्यादा एक हाथ से पतंग संभाल रहा हूँ, क्या करें। ये ऊपर सबसे ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ी उतार लूँ, फिर और पेच लगाऊंगा ना, या फिर तीन चार और आ जाए, मज़ा आ जाएगा भाई। अगस्त का मौसम रहा है, उस समय लोग आ ही नहीं रहे भाई बाहर। क्यों नहीं आ रहे देखना, कोई भी दिख रही है आपको यहाँ पे? एक भी और दिख रही है वहाँ, वहाँ के अलावा तीन, ये आई वो अलग कर रहे हैं। तीन पतंगों में से किसकी काटी है इसने? तीन ही तो हैं, तो मेरी पतंग भी मुझे देखने में, देखो तीन ही पतंगे हैं, और ये किसने काटी है? जो दिखनी तो चाहिए थी ऊपर से काटा है तो। वाह भाई अलग ही चल रहा है इनका, कर रहे हैं तो शौक है भाई। देखो हम ऊपर तो सुन करके बैठे हैं, देखो ये जा रहा साथ वाले का, मुझे ये अपने उड़ा रहा है। ए यार इस बार किसी को तो बुलाना चाहिए था कंटेंट देने को, कंटेंट कोई तो दो यार। ओके अकेले कैसे करेंगे? मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो जो भैया थे उनका संडे था कल, तो इसलिए उनकी छुट्टी थी, नहीं तो आज भी मैं उनके साथ ही उड़ा था। अगर उनके साथ और वीडियो देखना चाहते हो ना, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अगली वीडियो, और कमेंट कर देना अगर उनके साथ वीडियो चाहिए तो, मैं लाता रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भैया आप सीधा संडे को फ्री होंगे, और अगले संडे सीधा 15 अगस्त है, तो वो व्लॉग तो ज़रूर बनेगा, क्योंकि कंटेंट तो वही है। और गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ पे लाऊं। तो पतंग की हो गई, या मुझे थोड़ा नया लाना पड़ेगा, क्योंकि 15 अगस्त तक मैं पतंग नहीं खींच सकता, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ पतंग तो उड़ाने नहीं वाला, तो मुझे कुछ नया बताते रहना, ठीक है। मैं रोज़ रोज़ नहीं हूँ, मैं देख रहा था वो पतंग, मेरा ध्यान उधर चला गया वो, क्योंकि वहाँ पे साथ वाला भी है ना, वो साथ वाले के साथ तक भी अपने अपने में क्या ही, अपने अपने में थोड़ा ना करते हैं पेचे। कोई बड़े बढ़िया बंदा हो पेचे करने के लिए तब आए ना, अकेले अकेले पेचे एक दूसरे से करते रहे बिना वक्त पे, इसलिए देखना पड़ता है। एक हाथ से वो देखो को मांझा भी लपेट रहे हैं ऐसे करके, देखो ऐसे करके लपेट रहा हूँ धीरे धीरे, कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, कि इतने ऊपर भी काफ़ी नहीं है। और मुझे ज़रूर बताना अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अगली चीज़ वीडियो किस चीज़ पर बनानी चाहिए ना, कैसे बताऊँ मैं। चलो फिर देख गाइस, तो देख सकते हो अब एक तरह से अब शाम खत्म हो गई है अब पूरी, और अभी भी हमारा लौंडा पतंग उड़ा रहा है मस्त। चलो अभी भी देख लेते हैं, अगर पेचा कटता है तो वीडियो पूरी डालेगी, अगर पेचा कटेगा तो नहीं तो काट देंगे गाइस, यहीं से काट देंगे। आज इतनी पतंग उड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उड़ी। मैं बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले किसी की बात आ रही होगी, ऐसे ऐसे करेगा थोड़ी देर नीचे करके ऐसे करेगा।
कैसे हो भैया, जरूर आएंगे तब दिखाएंगे आपको। वो लटक लटक के कैच मारता है ऐसे ऐसे ट्रीट करेगा वो चलता रहता है कैच मारता है ऐसे गैस वो कुबड़ा जनरेटर कुबड़ा चला देते कुबड़ा पूरा। कुबड़ी निकाल के अपने शरीर का कुबड़ा निकाल के कैच मारता हूँ। टेड टेड है वो भैया, जरूर आएंगे ना 15 अगस्त पे, तो उनकी वीडियो जरूर बनाएंगे यहाँ पे जब वो खैच मार रहे होंगे। किसी को पता थोड़ा ना है, बना लेंगे चुपके से भाई खैच मारते हुए वीडियो बनाना। हाँ मार रहा हूँ हल्की से काला चला वाला लूंगा। पतंग बेहवा कर रहा है। वो लटका दी इसने। आई बो दोनों कट गई। दोनों गई दोनों नहीं कट गई, वो जब खा रही है नन्नू की झपली खा रही, कट गई नन्नू की भी। मैंने काट दी नन्नू की। आई बो ये तो पूरा।